तो लोगों के पास ये धारणा है कि ये बी कीपिंग इंडस्ट्री ऐसे ही है जिस तरीके से पोल्ट्री फार्म होता है, एक जगह बक्से रख दिए, उनको शुगर फीडिंग दे दी और शहद निकल आया, उसको शहद बोलते हैं। तो क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये धारणा ही गलत है कि जो है ये पोल्ट्री फार्म से इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। असल में बी कीपिंग चैप्टर दूसरा है। जी ये सारा खेती बाड़ी पर धंधा निर्भर है। जहाँ जहाँ भी फूल होते हैं, जहाँ जहाँ भी खेती हुई, जिस जिस फ्लावर की होती है, हर प्रांत में हर खेती नहीं होती, जी इसलिए हमें माइग्रेट करना पड़ता है। जो कॉलोनी से जहाँ फ्लावर आएगा वहाँ पर जाना पड़ेगा। मतलब वो जैसे पंजाब है, बक्सा लेकर आप वहाँ वहाँ जाएंगे जहाँ जहाँ फूल जहाँ आएंगे, जहाँ फूल आएंगे मतलब जो उधर जैसे आप जाना पंजाब पड़ेगा। में हैं, फिर जहाँ यहाँ का फूल ख़त्म हो गया, फिर आप दूसरी जगह जाएंगे, इसी तरीके से। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि पंजाब में जो है फरवरी से जहाँ सरसों चालू होती है, फरवरी में हम लोग जहाँ रहते हैं, मार्च में रहेंगे, अप्रैल जहाँ लीची का अच्छा सोर्स जाता है, लीची लीची फ्लावर इधर बहुत मिलता है, जी तो 15 मई के बाद, 15 मई तक, मतलब लीची के बाद बरसीम चलता है जो व्हाइट क्लोवर, व्हाइट क्लोवर, ओके, तो उसके बाद फिर हम लोग जो है ना श्रीनगर की तरफ जाते हैं। श्रीनगर, श्रीनगर में क्योंकि जो है वहाँ फ्लोरा स्टार्ट होता है, वाइल्ड फ्लोरा भी आता है वहाँ, अच्छा, तो उधर जाना पड़ेगा कौन से महीने में? मई के बाद जो है, मई मई के के बाद बाद में मई में पहले, जाना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद फिर जो है अक्टूबर में एक वहाँ सुलाई बोलते हैं, वो उधर की लोकल लैंग्वेज में नेचुरल एकदम पहाड़ों पर जहाँ बर्फ़ जमती है, तो गर्मी में बर्फ़ पिघल जाती है, तो जी वहाँ पर वो एक्चुअल में है क्या कि भेड़ों और बकरियों का घास है वो, जी उस तो घास के उसमें फूल से शहद निकलता है। उसके फूलों से जो है वो शहद इतना बढ़िया है, एक तो वाइटिश फ्लोरा है वो, और वाइट ही उसका शहद भी मिलता है, बहुत मतलब टेस्टी है, हर इलाके का शहद का टेस्ट, रंग वगैरह सारा अलग 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 होता है। होगा। तो ये जो मार्केट में एक ही किस्म का शहद मिलता है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, एक तो ये जो बड़ी ब्रांडेड कंपनियां है ना, इन पर ज़्यादा, क्योंकि अपने इनकी अपेरिज है नहीं, जी, और ये कुछ तो चाइना से माल लेते हैं, कुछ सिरप वगैरह का जो है, दिल्ली में बहुत कंपनियां हैं जो सिरप बना रही हैं, मतलब सिरप तो मतलब सारा नकली शहद। नकली शहद, जी बाल्टियों वाले जितने भी घूमते हैं ये सारे नकली शहद बेचते हैं, जी तो फार्म वाला आपको जो है बढ़िया मिलेगा चीज़, मतलब ये एक रेट जो आता है वो। जो बी कीपिंग इंडस्ट्री में है, ये जो शहद निकलता है इसमें और जो जो मार्केट में शहद मिलता है उसमें काफ़ी फ़र्क है। बहुत फ़र्क है, बहुत हाँ फ़र्क है जी। असल में फार्मर से तो हम इतनी देर से बी कीपिंग कर रहे हैं, जी, ना तो कभी डाबर ने लिया हमसे, अच्छा ना कोई ब्रांडेड कंपनी आई, तो अच्छा थोड़ा सा हमने रामदेव को बल्कि थोड़ा सा सप्लाई दिया, वो भी बंद कर दिया अब, अच्छा, कि उनको वो सस्ता पड़ता होगा या जी, क्या है, लेकिन जो है वो हमसे भी ज़्यादा महंगा बेचते हैं जो है। परचून में जब हम लोग पैकिंग करके थोड़ा सा देते हैं जी, तो हमसे कहीं ज़्यादा महंगा होता है वो। अच्छा। और एक लोगों में ये धारणा है कि शहद जमता नहीं है, अगर शहद जम जाए तो वो नकली है। नहीं, शहद का जमना स्वाभाविक गुण है उसका, जी नेचुरल उसका ट्रेंड है जमना है। जी जी सर्दियों में जो जो टेम्परेचर डाउन होगा वो जमना घना होगा, फिर जो उसके बाद वो जमना शुरू हो जाएगा जो मतलब है, टेम्परेचर डाउन होगा तो टेम्पर शहद जमेगा। शहद जमेगा, अच्छा ये बताइए कि हर किस्म का शहद जमता है, जितने भी शहद मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम? मैक्सिमम शहद जमते हैं। जी, शहद का असल में जितना भी बाहर इंडिया से बाहर जो एक्सपोर्ट हो रहा है जो है, मस्टर्ड वाला ही जा रहा है, तो मस्टर्ड हनी, मस्टर्ड निकालते ही जो है ग्रेन्युलेट हो जाता है, जम जाता है वो, तो मस्टर्ड हनी निकालते कितने दिन में ये जम जाता है? 1 हफ्ते के अंदर ही जम जाएगा, क्योंकि सर्दियों का टेम्परेचर भी उस टाइम कम होता है, और कई बार तो छतों में ही जम जाता है तो ये मतलब जमा हुआ शहद कि क्या, किस कलर का होता है? सारा ये, व्हाइट हो जाता? वाइट भी होता है, लेकिन जो है जैसे अब फ्लोरे पर भी डिपेंड है, जी तो वो बाद में कोई लोग ना कंफ्यूज में हो जाते हैं कि ये जम गया, लेकिन उसको गर्म पानी में रख करके उसको गर्म करें, उसको टेम्परेचर मिल जाए, वो फिर लिक्विड हो जाएगा। तो फिर ये जो बड़े बड़े कंपनियों का शहद, वो क्यों नहीं जमता फिर? देखिए, असली चीज़ तो जमेगी, मैक्सिमम जमेगी, जी कि जो ऑयल सीड जिसमें भी आएगा, जिन भी फूलों से ऑयल सीड निकलते हैं, ऑयल सीड जो भी होंगे जो है, जैसे सरसों है, सनफ्लावर है, या और भी जो बीज जिनसे तेल निकल सकता है, जी वो शहद जमेंगे, तो ये जमा हुआ मतलब शहद बल्कि ज़्यादा गुणकारी होता है, जो गुणवत्ता में ज़्यादा होता हो। ये मतलब फिर ये लोगों के शहद क्यों नहीं जमते? क्या ये लोग क्या नकली शहद इस्तेमाल करते हैं या इसमें कुछ? देखिए, जा तो इसमें कोई जो है जो फिर अपने ढंग से जो है उसको ग्लूकोज वगैरह उसमें रिड्यूस करते होंगे, या फिर कुछ जो है सिरप का उसमें इस्तेमाल होता होगा, या कोई केमिकल डालते होंगे, लेकिन ये नहीं है कि शहद जमा हुआ तो नुकसान वाला है, वो फायदेमंद है ज़्यादा।
तो मतलब जो जमने वाला शहद है वही ज़्यादा कुदरती है, वही ज़्यादा वो ज़्यादा नेचुरल है। नेचुरल है। तो ये जो नई जमने वाला है फर्क इस क्या, पे डाउट किया जा सकता है। मैं फ़र्क आपको बताऊँ, वो तो डाउटफुल है ही है, जो शायद जमता नहीं सर्दियों में, इतनी सर्दी होती है जमता नहीं, वो तो डाउटफुल अपने आप में ही है। ये जो बीकीपर्स अलग अलग मुकामात पे जाके माइग्रेशन करके बक्से रखते हैं, तो क्या चीज़ देख के वहाँ पर बक्से रखते हैं? देखिए माइग्रेशन करने से पहले हमें वहाँ जाना पड़ता है, जी जिस एरिया में भी जाना हो वहाँ पर एक तो देखना पड़ेगा कि फ्लोरा रेंज में कितना है। अच्छा, ऑलरेडी वहाँ फार्मर तो कोई दूसरे तो नहीं बैठे हैं, क्योंकि एक पेरी का दूसरी पेरी से कुछ फासला रखना पड़ता है, कितना फासला रखना करीब पड़ता ढाई है? तीन किलोमीटर हो जाए तो बढ़िया है। अच्छा, अगर दो अपेरी हैं तो 2.5 किलोमीटर ढाई दूर रखेंगे, ढाई तीन किलोमीटर ताकि का वो फासला। दो ढाई किलोमीटर एरिया का हाँ जितना भी फूल हो फूलों वो वो उसी मक्खी कलेक्ट, मक्खी वही मक्खी कलेक्ट कलेक्ट करें, करे। अच्छा इसलिए वो डिस्टेंस करनी पड़ती है। अच्छा, दूसरा यह कि उस साइट में बीज को, एक तो रोड का किनारा बिल्कुल नहीं होना चाहिए हाईवे पर, अच्छा क्योंकि मक्खी जाती आती है जब तो टकराती है, मरती है। अच्छा दूसरे एक ये है कि वहाँ पानी का रिसोर्सेज है कि नहीं है, अच्छा तो पानी का रिसोर्सेज भी देखना पड़ता है कि मक्खी को पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा वहाँ, अच्छा उसको रोज़ाना पानी भी चाहिए रोजाना पूरा? पानी भी चाहिए उसको पीने के लिए। जीव है, हाँ अच्छा, जो भी जीवित जीव है उनको पानी तो चाहिए, हवा पानी तो चाहिए सबको। तो एक जगह पे कितने दिन वहाँ पे हम रुकते जब तक हैं? फ्लोरा रहता है, तो जब जैसे सरसों का फ्लोरा कितने दिन रहता है? करीब जो है वहाँ फार्मर जो है ना कुछ आगे पीछे बेचते हैं, करीब एक महीना निकल जाता है, मतलब 1 महीने में शहद की मक्खी वहाँ के फूलों से शहद जमा शहर लेके करते रहती है? इकट्ठा करके उसमें दो बार एक्सट्रैक्शन हो जाती है जो है। 2 बार एक्सट्रैक्शन हो जाती है, तो एक बक्से से एक एक्सट्रैक्शन में कितना शहद निकल जाता है? ये देखिए ये तो एक तो बीज की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है कि मक्खी कितनी स्ट्रेंथ में है, अगर पूरी मक्खिया मक्खी पूरी फुल है बक्से में जी, तो आपका जो है ना वो 10 किलो एवरेज एक बार में एक्सट्रैक्शन दे देती है, तो मतलब 10 किलो 10 किलो 10 किलो 20 किलो 20 किलो एक बक्सा एक महीने के अंदर ही दे देगा दे वो। देगा अगर मक्खियाँ स्ट्रांग हो तो। हाँ अगर अगर मक्खियाँ मक्खी अगर कमज़ोर है स्ट्रांग, तो एवरेज कम आएगी थोड़ी। अच्छा मतलब 20 से 10 हो जाएगा। हाँ तो एक साइट पे कितने ऐसे बक्से रखते हैं वहाँ पे जो शहद जमा करने के लिए? ये तो जैसे राजस्थान का हम देखते हैं तो वहाँ इतना मतलब मस्टर्ड का एरिया है जी कि वहाँ तो सैकड़ों अपेरिज जाते हैं, नहीं, एक अपेरी में कितने बक्से होते हैं एक जगह एक पे? अपेरिज में कम से कम जो है 100 से लेकर के 200 तक 250 तक, एक एवरेज देखें तो 200 रहेंगे हाँ एक ट्रक लोड, एक एक? ट्रक लोड में 200 से 250 तक बक्से आते हैं। अच्छा मतलब बक्से जो ट्रक में जो माइग्रेशन के दौरान होता है 200 बक्से की एक ट्रक बनती है, ठीक है ना? ना 200 तो में वो एक साइड एक जगह पे रख देते हैं। बिल्कुल तो चलो 2 एक्सट्रैक्शन 20 किलो हो गया एक बक्से से, तो अगर 200 बक्से हो गए तो करीबन 4000 किलो शहद एक हाँ साइड से एक निकल साइड आता से है। निकलेगा अच्छा, तो ये 2-3 किलोमीटर रेंज में आपको 4000 किलो शहद निकला है, निकल जाती है। ये तो हो गया सरसों का। अब लीची वगैरह में उसमें कैसा होता है? यही एवरेज आती है सब जगह जब अगर फ्लोरा, दो 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 एक्सट्रैक्शन होंगे तो ये एवरेज होगी? हाँ डिपेंडिंग करता है नेचर पर, अगर अच्छा मौसम ख़राब हो गया बारिश बरसात चालू हो गई तो ये फिर वो फ्लोरा ही ख़राब हो गया तो जो है शहद कहाँ से आएगा। तो मक्खी के लिए सबसे बेहतरीन सबसे बेस्ट मौसम कौन सा होगा, मतलब जिसमें नेक्टर बसंत आएगा? का जो जो हम मानते हैं ना बसंत का, जब फ्लोरा ज़्यादा है तो मक्खी के लिए बढ़िया नहीं, है। फ्लोरा के अलावा मतलब बादल के बारे में, सूरज है, अगर बादल आने से? गर्मियों में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, रेनी सीजन में प्रॉब्लम आती है जो है, अच्छा और रेनी सीजन में असल में बाहर फ्लोरा रहता नहीं, जी इनको हम फिर इनको फीड देनी पड़ती है, अच्छा, वो नहीं तो मक्खी बाहर भाग जाएगी निकल मतलब जाएगी अगर अगर फूलों मर से कुछ नहीं जाएगी, आ रहा है तो उसको अलग से हाँ बाहर उसको से? अलग से थोड़ा सा फिर उस टाइम हमें फीड भी देनी पड़ती है अच्छा, जो है फीड देनी पड़ती है। वो फीड है मक्खियों की जिंदा रहने के लिए? जिंदा रहने के लिए, वो उससे स्टोरेज नहीं होती, उससे उससे स्टोरेज नहीं होती, वो जिंदा रहने के लिए उसको लेती है, उससे ज़्यादा नहीं लेती फिर। अच्छा, अगर समझिए कि फूलों का सीज़न चल रहा है, अगर उस टाइम फीडिंग दे तो क्या होगा? नहीं उस टाइम वो उठाएगी नहीं उसको, अच्छा मतलब शहर की उसको तरफ जब देखेगी नहीं, वो उसकी जब खुद की गिज़ा मिल रही है तो वो तो हाँ शक्कर उठाएगी वो नहीं? उसको उठाएगी नहीं, उठाएगी फीड नहीं, को लेगी नहीं वो। अच्छा, तो ये जो धारणा है लोगों में कि भाई शहद पिला पिला के जो शहद निकाला, शक्कर पिला पिला के शहद निकाला आता नहीं है नहीं ये गलत धारणा, असल में लोग देखते हैं हम जी, लोगों को भी कहते हैं कि ये क्यों खिला रहे हैं, अब जो है भूखा भूखे को कुछ देंगे नहीं, बाहर से कुछ मिलेगा नहीं उसको, तो वो उसको खिलाना पड़ेगा नहीं तो जो मक्खी निकल जाएगी फिर आपके हाथ नहीं आएगी, हमारी प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी वो तो। तो अभी जब अपन शुगर फीडिंग देते हैं फिर उसके बाद अगर फ्लोरा भी निकल आया तो जब फूलों से भी जमा करेगी नेक्टर और शहद, ये भी पहले से उठाया हुआ होता है, तो शहद में कितनी मात्रा मैक्सिमम बन जाती है शक्कर की अगर देखें मैक्सिमम? अगर नहीं असल में जो आर्टिफिशियल फीड जो भी है ना चीनी वगैरह का घोल हम देते हैं या केसर
कि अगर शहद है हमारे पास तो शहद भी देते हैं। अच्छा अच्छा गोल के। अच्छा तो वो स्टोरेज शहद का ही करती है, दूसरा शुगर का स्टोरेज नहीं करती वो। अच्छा मतलब एक आध दिन के लिए खुराक उसको जिंदा रहने के लिए है, मतलब उसके लिए ये अच्छी शहद में नहीं जाएगी खुराक, वो बिल्कुल मजबूरी में ही सिर्फ मजबूरी में खाती है। अगर स्टोर करना हो तो ना स्टोर नहीं करेगी, उस टाइम नहीं कर सकती, स्टोर नहीं करेगी। तो जो भी शहद होगा वो तो फूलों का ही होगा, फूलों का शहद आना ही फूल से, शहद आना ही फूलों से। हाँ। तो ये जो फॉरेस्ट है नहीं, जो जंगलों से शहद निकालते हैं उसमें, और ये जो बक्सों से शहद निकालते हैं उसमें अच्छा शहद कौन सा है? देखिए जो आपका जो है ना, देखिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि जो बाहर की जंगली मक्खी है जी, उसका एक छत्ता एक ही होता है जी। हमारे जो है जितने भी अपेरिज हैं इसमें एक पोर्शन में 10 छत्ते होते हैं, 10 से 20 भी हो जाते हैं एक बक्से में, एक कॉलोनी बोलते हैं जी। तो वो उसमें जो है ना 10 छत्ते एक पोर्शन में रहते हैं जो है जी। तो वो उसमें बच्चों का पोर्शन अलग है, नेक्टर जो है शायद पहले स्टेज आती है नेक्टर की, नेक्टर से फिर शहद बनाती है, पकाती है उसको। अच्छा तो वो फिर शहद बनेगा, तो वो शहद बाहर वाले मक्खियों से कहीं बेहतर है। ये जंगली मक्खी है ना, जंगली मक्खी देखिए एक तो वाइल्ड बीज है वो, उसकी नेचर भी दूसरी है, छत्ता एक है, एग लार्वा ब्रूड सारा वो कैजुअलिटी भी होती है, मरती है वो। अच्छा। दूसरा ये है कि उसको कोई नेचुरल बीमारी या डिजीज़ तो हर प्राणी को आती है जी। कोई डिजीज़ है तो हम तो अपनी बीज को तो मेडिसिन टाइम टू टाइम कोई ज़रूरत पड़ती है मेडिसिन देते हैं, जैसे स्ट्रिप्स है या फिर सल्फर का ऐश थोड़ा देना पड़ेगा, उसको कौन देगा? अच्छा। जंगली मक्खी कोई दवाई कोई नहीं देता, कोई डिजीज़ वाला है वो, अब जो है दो शहद निकालने वाला वो तो जो है उसको काटेगा निकालेगा जो भी है। जो ये कुदरती शहद निकाला हुआ है और इधर से अपेरी शहद निकाला हुआ है, शहद बनना ही कुदरती फूलों से है, चाहे अच्छा। वो बक्सों में हो चाहे वो जंगली। हाँ ये बात है, शहद तो उसका तरीका तो वही होगा, तरीका वही, फूलों से मक्खी रस चूसेगी, सिर्फ फर्क इतना है, फर्क इतना है कि जो पालतू मक्खियाँ हैं इनका जो है ना पोर्शन अलग अलग छत्ते में होते हैं, एक में ब्रूड है मतलब बच्चे जिसमें अच्छा। तैयार हो रहे हैं, दूसरा जो है जिसमें आगे लार्वा दे रही है, तीसरे में उसने पोलन स्टोर कर रखा है बच्चों के लिए। अच्छा। उसके बाद फिर आगे नेक्टर, बारी बारी टर्न बाय टर्न उसने अच्छा। लेना तो है तो सिस्टमैटिक तरीके से सिस्टमैटिक करती है, मतलब एक में बच्चे है एक में बी पोलन है, बी पोलन में क्यों जमा करती है मक्खी? बी पोलन असल में ये अंडों की जो है, अंडों से जो मक्खी जो बननी है उसके लिए जो फीड है उसकी। अच्छा ये जो अंडों से मक्खी बनने की उसकी गिजा है ये? हाँ मतलब वो खा के ही पोलन खा। देखिए अंडे से मक्खी बनने के लिए उसको जो है चाहिए पोलन, थोड़ा पानी का मात्रा, थोड़ी शहद की मात्रा। अच्छा। वो बीज अपने आप से जो चार दिन की मक्खी होती है ना, अभी जिसका बर्थ 4 दिन हुए है वो उनको अंडों को खुराक वो देती है। अच्छा। उसके बाद 4 से 7 दिन के बाद जब हो जाती है जो है तो फिर आज जो मक्खी पैदा हो रही है वो उसको खुराक देगी। अच्छा। उसके बाद फिर 11 दिन जब हो गए बीज की उम्र तो उसकी बाहर की फ्लाइट ट्रेनिंग होती है 2 दिन की। अच्छा। उसके बाद फिर ये बाहर का एरिया अच्छा बाहर के लिए काम करेगी, वो क्वीन डिपेंड करती है, क्वीन करे उनको ऑर्डर देगी कि आपने पानी ले आना है, पोलन ले आना है या नेक्टर ले आना है या तो, परपोलस ले आना है, परपोलस भी इसका एक अंश है। तो कॉलोनी की हेड क्वीन भी होती है उसके, क्वीन पर ही सारा नेचर डिपेंड है। और ये थ्रू डांसिंग डेली इनकी मीटिंग है। अच्छा। डेली मीटिंग है रात को क्वीन के साथ। अच्छा। जो जैसा क्वीन ऑर्डर करती है वैसे ये, मतलब एक बक्सा एक कॉलोनी पूरे मतलब संसार की, जैसे हमारी सरकारें चलती हैं बस सेम मेथड है, मतलब हर बक्से की एक क्वीन होगी। हाँ। तो फिर ये जब फैमिली बढ़ती है तो क्या होता है? जैसे कुछ टाइम की जो है क्वीन की उम्र जो है ना करीब 3 साल तक होती है जी, तो क्वीन फ्रेश जंग रखना चाहते हैं हम लोग, तो हम लोग दूसरे साल या तीसरे साल क्वीन को बदलना होता है। जब नेक्टर अच्छा चलता है, अच्छा फरवरी महीना बेस्ट है पंजाब में, तो फरवरी महीना बेस्ट है क्वीने बनाने के लिए, तो उस टाइम हम जो है ना उसको क्वीनलेस करके क्वीने बनवाते हैं। अच्छा। नई क्वीने बनती हैं। अच्छा। तो नई क्वीने से जो है जंग जनरेशन वो वर्किंग एफिशिएंसी उनकी ज़्यादा होती है।